बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि यह कौन सा फल है। ध्यान से देखिए, इस फल के बारे में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी जानते हैं और यह किसी को नुकसान नहीं करता। पूरी तौर पर यह फल फलदायक है। दोस्तों, जैसे ही बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में जाते हैं, प्राथमिक क्या, नर्सरी में जाते हैं और पहला चरण होता है उनका, तो ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। आइए थोड़ा सा बगान में और भी हमारे साथ आगे बढ़िए, इधर भी देखिए, जिधर दृष्टि जाएगी उधर आपको सेब के फल लटके हुए मिलेंगे। अब एक छोटा सा पौधा यह है, इसको देख रहे हैं, पत्ते कम है लेकिन फल अधिक है। यह है सेब की बागान, आ जाओ। क्या नाम? बागान, और यह है सेब का टेस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुभकामना। क्या नाम है? एजाज। अभी ले लेंगे। क्या नाम है बताओ? एजाज। एजाज, एजाज कितने प्रकार के सेब हैं इसमें? नियर अबाउट 4-5 वैरायटी के हैं इस गार्डन में यहाँ पे। अच्छा, जैसे ग्रीन एप्पल अलग, गोला अलग, अमेरिकन अलग, डिलीशियस अलग। हम किस जगह हैं इस समय कश्मीर में? आप इस वक्त गुलमर्ग के नीचे तकरीबन 14 किलोमीटर हो, गुलमर्ग गुलफाम के पास होगा। गुलफाम के पास है, बिल्कुल। और यहाँ पियर्स का भी है, पियर्स का ट्री। यह कौन सी प्रजाति है? ये रेड डिलीशियस। अच्छा, रेड, ये रेड डिलीशियस। इसका सीजन होगा सर अक्टूबर में, ये वाली वैरायटी जो है इसका सीजन अक्टूबर में होगा। और यहाँ पे पियर्स है, उसका भी सीजन तकरीबन वो देखेंगे। अच्छा, तो ये अभी लाल हो जाएगा? नहीं, ये पियर्स है, ये लाल नहीं होते। अच्छा, ये सही होंगे, ये ग्रीन ही रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नाशपाती। नाशपाती। अच्छा, ये ठीक है। और यहाँ पे राजमा, राजमा कौन सा है? राजमा की बेल। अच्छा, ये है राजमा, तोड़ना मत जाने दो, तोड़ना मत। ये अभी शुरुआत है इनके, आ रहे हैं। एजाज एक चीज बताओ, यह पौधा लगाते हैं काट के इसमें से लगाते हैं, मतलब कलम करके लगाते हैं कि पौधा? नहीं, नेचुरल ऐसे, फिर वो ग्राफ्टिंग होगी अलग, जिस ट्री को मतलब जरूरत हो ग्राफ्टिंग करने की उसको कर लेते हैं। मतलब आजकल क्या है कि आज नए नए ब्रीड्स आ रहे हैं, जो पुरानी वैरायटी यहाँ के जो है उनको दिन ब दिन वो खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, अब दिन ब दिन नए। अच्छा, पौधा लगाने के कितने दिन बाद फल शुरू हो जाता है? जो यहाँ के देसी थे वो देते थे तकरीबन 8-9 साल के बाद। जो अब नए ब्रीड्स आ रहे हैं वो मतलब एक साल लगा, अगले साल फल देने लगे। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सारे बागान हैं ऐसे, लोगों ने जगह जगह, कहाँ कहाँ आप लोग भेजते हो यहाँ से? जैसे आदापुर मंडी में जाता है, दिल्ली जाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट जाता है डायरेक्ट मलेशिया, फिर वहाँ से और मलेशिया, विदेश में, विदेश में कई जगह जाता है। बिल्कुल सर। यह है एजाज और दिखा रहे हैं यह सेब की खेती। इधर भी आप देख रहे हैं, जैसे आम फल लेता है वैसे ही यहाँ सेब की खेती है। इन्हें भी आप देख सकते हैं, और 5-6 प्रजातियों के सेब यहाँ हैं। अगर इधर देखें हम, हला बहुत से तोड़े जा चुके हैं, ऐसे इन सब टहनियों में सेब थे। अब यहाँ देखिए, सेब के साथ हमारा फोटो कैसा आएगा? इधर देखिए, आइए इस तरफ, यह भी अच्छा है। सेब एक ऐसा फल है जो आपको पोषण प्रदान करेगा, विभिन्न प्रकार के इसमें गुण हैं, पेट के लिए भी काफ़ी फायदा है, और मरीजों के लिए अक्सर सेब दिया जाता है। करते क्या है लोग पता नहीं, कैसे पॉलिश होता है इसमें, ऐसे पॉलिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो दिख रहा है वह पूरी तौर पर नेचुरल है, कहीं इसमें कोई बनावट और कहीं कुछ ऐसा है नहीं। इधर भी आप अगर देखेंगे, अरे वाह 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 वाह, आइए थोड़ा सा और घूमिए हमारे साथ। देखिए कि अभी है, यह छोटा सा पौधा है लेकिन नीचे से लेकर के ऊपर ऊपर तक, जैसे आम भी हैं ऐसे बहुत से फल देते हैं, आंवला है, बहुत से ऐसे पेड़ हैं उसके कि नीचे से ऊपर तक फल लगे रहते हैं। ऐसे ही कटहल है, बहुत से कटहल ऐसे हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक, और कुछ कटहल तो जमीन के नीचे भी
उसका फल होता है और बाद में जमीन फट जाती है। इस तरफ भी दिखाते हैं, देखिए यह सब देसी जैसा हमें लग रहा है कि ऐसे ही सेब देसी होते हैं। उस तरफ भी सेब की बागान है। यहाँ की जलवायु सेब के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अखरोट होता है, यहाँ नाशपाती होता है। जो नाशपाती एक तो हम लोगों के तरफ ऐसे होता है ज़मीन पर फैल करके उसका डंठल फैलता है, लेकिन एक नाशपाती सेब जैसा होता है उसे, इसे भी आप देखेंगे दोस्तों। और यह क्या है, अभी सेब का ही होगा लेकिन इसमें कोई फल दिख नहीं रहा है। हमारे तमाम साथी इधर सेब के बागान देखने आए हैं और आप भी हमारे साथ सेब के बागान का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ एक पौधा है थोड़ा सा, इसको भी आप देख लें और इसे देख करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा कि यह क्या है। मुझे पता है कि हमारे जो आदरणीय मित्र लोग हैं काफ़ी जानकार हैं। चलिए उसका फल भी दिखा देता हूँ, इसको देखिए और फिर इसके बाद बताइएगा कि यह क्या है। आशा करता हूँ आप जरूर बताएंगे। इधर एक और खेती है, एक हरी थी मन भरी थी, नौ लाख मोती झड़ी थी राजा जी के बाग में, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। पूछा जाता था तो हम लोग बताते थे मक्का, यह मक्का है और इसके जो बाल हैं काफ़ी लाभप्रद हैं। हमारे एक मित्र ने बताया था कि इस बाल को अगर 50 ग्राम उबाल करके 1 लीटर पानी में 2-3 बार पी लिया जाए तो पथरी ख़त्म हो जाती है, ऐसा उन्होंने दावे के साथ बताया। और ऐसा भी नहीं था कि हमारे वह मित्र कम पढ़े लिखे थे, विशेष सुयोग्य थे और उन्होंने कई लोगों का बताया भी कि उनका इससे लाभ हुआ था। आइए एक बार और देखिए, इनका अवलोकन करिए और फिर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों कश्मीर की जलवायु में यह चीज़ें काफ़ी, इनका व्यवसाय भी है और इस व्यवसाय से इनका जीवन चलता है, यह सेब का बागान। बहुत से मित्र हमारे देखना चाहते थे, उन्हें मैं दिखा भी रहा हूँ, केले की बागान दिखाया हूँ, ऐसे तमाम चीज़ों को दिखाता रहूँगा। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज सेब के बागान में कश्मीर में विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।